आज धर्म के नाम पर हमारे समाज में क्या बचा है? यही बचा है कि खूब हाथ में 4 अंगुल 5 अंगुल चौड़ा कलावा बांध लो और कभी मत्थे पर तिलक लगा लो, एक आध रुद्राक्ष की माला गले में डाल लो और अच्छे अच्छे मंदिरों में, बड़े मंदिरों में जाकर के भगवान का दर्शन कम करो, सेल्फी ज्यादा लो और उसे फेसबुक पर अपडेट करो जिससे लोग जाने कि आप मंदिर गए थे। इतनी धार्मिकता केवल बची। उसके बाद भी हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, धिक्कार है ऐसे हिंदुओं को। प्राइमरी स्तर का भी ज्ञान अपने धर्म का नहीं रहा और नारा क्या लगाते हैं, गर्व से कहो हम। क्या गर्व है, किस बात पर गर्व है? हमें तो लगता है अपनी मूर्खता पर ज्यादा गर्व होना चाहिए कि कितने बड़े मूर्ख। आज धर्म इतना ही रह गया। मंदिरों में भी लोग जाते हैं तो दर्शन कम फोटो ज्यादा की। संत महात्माओं के पास भी जाएंगे तो उद्देश्य क्या? बोले उनके पास जाकर उनका अगर समय मिला है तो कोई जिज्ञासा, कोई तत्व का ज्ञान उनसे सीख लो, पालो। वो नहीं, महाराज आशीर्वाद दे दो सब काम बन जाए और फिर चलते चलते जरा एक फोटो महाराज ले लें। तो फोटो बहुत जरूरी। बंधुओं बात बहुत कड़वी है लेकिन सच है। धर्म ही जीवन का सार है और जीवन को हम अगर धर्म में लगाते हैं और धर्म के अनुकूल इस जीवन को हम जीते हैं तो जीवन में शांति होगी, आनंद होगा। हमें लगता है कि इन संसाधनों से हम सुखी होंगे लेकिन ये संसाधन हमको सुखी नहीं करते। ये बाह्य संसाधन जो हैं, धन संपत्ति, घर मकान दुकान गाड़ी फोन पैसा, ये संसाधन हमको सुखी नहीं करते। ठीक है इन संसाधनों की उपयोगिता है जीवन में लेकिन आंशिक है। इन संसाधनों से ही आप सुखी नहीं होंगे। वास्तविक सुख तो तब प्राप्त होगा जब अपने अंदर बोध होगा। बोध होने पर सुख होता है और जिसे बोध हुआ वही तो बुद्ध हुआ। बुद्ध के पास क्या कमी थी? राज रियासत सब कुछ थी, सारे संसाधन थे लेकिन उन्हें नहीं लगा कि यहां सुख है। और जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए, बोध प्राप्त हुआ, तब उन्हें लगा कि वास्तविक सुख तो यहां है। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेह एकांत जीवन। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ये वेद व्यास जी की अंतिम रचना है। 18 पुराण में अंतिम 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना क्यों हुई ये विषय का वर्णन स्वयं वेदव्यास जी ने किया। फिर ये सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई इसका वर्णन, फिर अनेक प्रकार के भक्तों का चरित्र, बीच बीच में प्रसंग में धर्म अधर्म, पाप पुण्य, उचित अनुचित का विवेचन और फिर भूगोल का वर्णन, नरक इत्यादि लोक क्या है उसका विवेचन, भगवान के नाम की महिमा क्या है इसका वर्णन, भगवान अपने भक्तों पर कैसे कृपा करते हैं, इन विषयों का वर्णन करते हुए अनेक कथाएं सुनाई और फिर सूर्य वंश और चंद्र वंश के प्रतापी राजाओं का चरित्र और फिर दशम स्कंद में भगवान कृष्ण का अवतार क्यों हुआ और अवतार लेकर के भगवान कृष्ण ने कौन कौन सी लीलाएं की इसका विस्तार से वर्णन। फिर भगवान जब निज धाम जाने लगे तो अपने परम प्रिय भक्त उद्धव को ज्ञान विज्ञान जो प्रदान किया, उद्धव के प्रश्नों का उत्तर दिया, उन सारे विषयों का वर्णन और फिर परीक्षित जी के मोक्ष का वर्णन और अंत में एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण के संपूर्ण विषय की संक्षिप्त विषय सूची बताकर वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को पूर्णता प्रदान की। यह ग्रंथ
बड़ा ही गंभीर ग्रंथ है, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा हो जाती है भागवत में, विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती, भागवत क्या है। तो 7 दिनों तक हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा श्रवण करेंगे और हमारे उत्तर भारत में और विशेष करके इस पूर्वांचल के क्षेत्र में यह एक परंपरा चली आई है वर्षों से, शताब्दियों से कहिए, कि गया श्राद्ध करने के बाद आकर के धर्मनिष्ठ लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, कारण भी जानना चाहिए। सामान्य व्यक्ति तो यही समझता है कि जैसे जीवन में सब काम हम कर लेते हैं, विवाह किया, बेटा बेटी पैदा हुए, उनको पढ़ाया लिखाया, फिर यथा योग्य उनका भी विवाह आदि संबंध कर दिया, कमाने में जो पूंजी बची कुछ बटोरा, उससे घर मकान बना लिया, धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई, बोले अब क्या करें, बोले अब चलो तीर्थ घूमावे, गए यथाशक्ति तीर्थ घुमाए, गया भी कर लें, क्यों, बोले परंपरा है गया जाते हैं, गया करके आए, बोले अब गया करके आए तो ब्रह्म भोज कर लें, भागवत सुन लें, क्योंकि यही लौकिक परंपरा चली आई, और फिर उसको भी निपटा लिया, जैसे सब काम करते हैं, एक एक काम जीवन के निपटते गए, ये भी निपट गए। लेकिन ये भागवत की कथा ये केवल जीवन का कोई एक कर्तव्य मात्र नहीं है कि इसे कर लिया और पूरा हो गया और इस काम से, एक काम से हम फुर्सत हो गए। लोग कहते हैं महाराज एक एक काम निपटा लें जीवन के धीरे धीरे, बोले निपटाने के लिए नहीं है, इसे तो समझने के लिए। गया से आने के बाद ये भागवत सुनने की परंपरा का जो प्रचलन है, इसका मूल कारण यह है कि भागवत के महात्म्य में कथा है कि धुंधकारी नाम का प्रेत आत्मदेव ब्राह्मण का बेटा था, मर करके प्रेत हो गया। उनके भाई गोकर्ण जी ने गया में जाकर के पिंडदान किया, श्राद्ध किया, लेकिन वो प्रेत मुक्त नहीं हुआ। गया पिंडदान करने पर भी उसे मुक्ति नहीं मिली। आजकल तो एक लोगों ने प्रचलन बना लिया है कि गया श्राद्ध करके आए, अब श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों, बोले पितरों को बैठा दिया। ले ऐसा कहीं लिखा उखा नहीं है, पितर बैठते बैठते नहीं तोरे बैठाने से बैठेंगे वो। लेकिन उनके प्रति श्राद्धादि कर्म जो किया जाना चाहिए, उस कर्तव्य से बचने के लिए आलसी प्रमादियों ने ये चारों तरफ दुष्प्रचार कर रखा है कि गया श्राद्ध करने के बाद फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। वस्तुतः गया श्राद्ध करने के बाद भी, घर आने के बाद भी, समय समय पर पितरों का श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि कर्म जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। यह नित्य कर्म के अंतर्गत यह सदा किया जाता है, इसका कभी त्याग नहीं होता। और गया श्राद्ध करने पर सारे पितर मुक्त हो जाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। धुंधकारी के लिए गोकर्ण जी महाराज ने गया में पिंडदान किया, श्राद्ध किया, और जब लौट करके आए और अपने घर में खाट बिछाई और विश्राम किया, तो रात्रि के 2 बजे वो धुंधकारी प्रेत प्रकट हो गया, उसी घर में रहता ही था। सकृत में ऐसा सकृत हस्ती, कभी भेड़ का रूप धारण करके दिखाई पड़े, कभी हाथी के रूप में दिखाई पड़े, बोलता कुछ नहीं था, केवल दिखता था, और असली रूप में दिखाई पड़े तो गोकर्ण जी पहचान भी लेंगे, भाई हमारा भाई है धुंधकारी। लेकिन कभी बकरा बन के दिखे, और कभी मेघ बन करके, कभी हाथी बन करके, बोले कुछ नहीं। गोकर्ण जी को लगा कोई भटकती आत्मा है, कोई प्रेतात्मा है, दुखी है, अपने कल्याण के लिए मेरे पास आई।
ये भूत प्रेत भी किसी अच्छे व्यक्ति के पास इसी भाव से जाते हैं कि शायद ये मेरा कल्याण कर। एक बार हमने अपने गुरुजी से पूछा, महाराज आजकल लोग कहते हैं ये भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है, हमको तो कोई भूत नहीं मिला। लोग कहते हैं महाराज लोग भूत प्रेत की इतनी कहानी सुनाते हैं, कोई भूत कोई प्रेत कोई ब्रह्म राक्षस तो हमको नहीं मिला। ये सब झूठी बात है, ऐसा नहीं होता। तो यही तर्क गुरुजी से हमने किया कि लोग कहते हैं कि भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस भटकती हुई आत्माएं ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को मिलते ही नहीं। तो हमारे गुरुदेव भगवान हंसते थे, उत्तर क्या देते थे। तो गुरुजी ने कहा कि ये भूत प्रेत भी उसी को मिलते हैं, उसी के पास जाते हैं जिसको जानते हैं कि ये व्यक्ति मेरा कल्याण करेगा, मुझे प्रेत योनि से मुक्त करेगा। और आजकल भूत प्रेत क्यों नहीं मिलते किसी को, बोले आजकल भूत प्रेत किसी को इसलिए नहीं मिलते कि भूत प्रेत जानते हैं हमसे बड़ा भूत प्रेत तो यही है, ये तो अपना कल्याण नहीं कर सकता, हमारा क्या करेगा। इसलिए भूत प्रेत आवे किसके पास, भाई आप उस भूत से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। आप अपना कल्याण नहीं कर सकते, अपने कल्याण के विषय में सोचने का आपके पास समय नहीं है, तो आप उस प्रेतात्मा के कल्याण के विषय में क्या सोचें, क्या उपाय करें। इसलिए वो भूत प्रेत भी आपके पास क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे, उनका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। आखिर वो धुंधकारी प्रेत गोकर्ण जी को ही क्यों दिखाई पड़ा, गांव में और किसी को नहीं दिखा। इसलिए कि धुंधकारी जानता था गोकर्ण जी ज्ञानी है और ये मेरे उद्धार का कोई उपाय करेंगे। गोकर्ण जी ने देखा ये प्रेत है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, जल लेकर अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छींटा दिया तो उसके अंदर बोलने का सामर्थ्य हुआ। तो गोकर्ण जी ने पूछा, कस्त्वम, कौन हो तुम और क्या चाहते हो। तो धुंधकारी प्रेत को बोलने की शक्ति प्राप्त हुई और उसने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः, मैं आपका भाई हूं और मेरा नाम धुंधकारी। अरे धुंधकारी तुम प्रेत हो गए। तो धुंधकारी ने कहा, हां भैया, स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया, अपने ही दोष के कारण अपने ही पाप के कारण हमने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होकर के भी हमने धर्म के अनुकूल जीवन व्यतीत नहीं किया, पाप किया, उसका परिणाम मुझे प्रेत बनना पड़ा, मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण जी ने कहा, तुम्हारे लिए तो हमने गया में श्राद्ध किया था, गया में पिंडदान करने गए थे तो सबका किए थे, तुम्हारा भी पिंडदान किए थे, तो तुम मुक्त नहीं हुए। तो धुंधकारी ने स्वयं कहा उस प्रेत ने कि गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति, एक बार नहीं 100 बार गया में मेरा श्राद्ध करो, मैं मुक्त होने वाला नहीं। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति, क्यों। तो धुंधकारी ने कहा, मैंने ऐसे जघन्य पाप किए हैं कि गया श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं हो। अब आप विचार करो, ऐसे ऐसे पाप मनुष्य अपने जीवन में करता है जिन पापों के कारण कई जन्मों तक कई शताब्दियों तक उसके उसको पाप योनियों में भ्रमण करते हुए दुख प्राप्त करना पड़ता, और जिसलिए ये हम सब पाप करते हैं वो काम नहीं आता। पाप क्यों करते, इस 100 साल की औसत आयु में जीने के लिए बस, और स्वार्थ में, और ऐसे ऐसे पाप करते जिनका परिणाम उन्हें 84 लाख योनि सामने दिखाई पड़ रही है। ये जितने कुत्ते घूम रहे हैं, गधे घूम रहे हैं, छिपकली घूम रही है, भालू घूम रहा है, शेर घूम रहा है, ये सब क्या है। ये सब हमारे आप जैसे आदमी थे, सबके घर मकान थे,
और सब इसी प्रकार साधन संपन्न थे, लेकिन संसार के स्वार्थ के लिए, क्षुद्र लाभ के लिए ऐसे ऐसे पाप किए जिसका परिणाम भोग रहे। इसी प्रकार अगर हमारे जीवन में पाप होगा तो हमको भी कितने जन्मों तक ऐसे पाप योनियों में भ्रमण करना, इन योनियों को देखकर विचार करना चाहिए कि आखिर इन शरीरों में जो जीवात्मा है इसको ईश्वर ने ऐसा क्यों बनाया। इस प्रश्न का उत्तर जब तक धर्म की शरण में नहीं आएंगे, शास्त्र की शरण में नहीं आएंगे, तब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। कोई कितना भी बड़ा विज्ञानवादी हो, विज्ञानवादी अनीश्वरवादी होता है, विज्ञानवादी कहता है ईश्वर उसर कुछ नहीं है, सब नेचर का काम है, सब नेचर कर रहा है। उनसे पूछो भाई सब कुछ नेचर का किया हुआ है तो नेचर ने किसी को आदमी बनाया, किसी को कुत्ता क्यों बनाया, किसी को गधा क्यों बनाया? चेतना और जीवात्मा तो उन दोनों में, और उसमें भी इतने भेद क्यों हुए? एक कुत्ता सड़क पर लाठी खा रहा है, डंडे खा रहा है, और एक कुत्ता गाड़ी में बैठ करके घूम रहा है और अंडे खा रहा है, क्यों? दोनों के सुख दुख में अंतर क्यों हुआ, क्या कारण था? इन सारे प्रश्नों का उत्तर तभी प्राप्त होगा जब शास्त्र की शरण में आएंगे, महापुरुषों की शरण में आएंगे, तभी जीवन का वास्तविक रहस्य समझ में आएगा। ये जीवन है क्या, क्यों मिला है? तो मानव ऐसे ऐसे पाप करता है जिन पापों के परिणाम स्वरूप 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, और थोड़े से लोभ में ऐसे भयानक पाप करता है, उस थोड़े से लोभ और स्वार्थ में जो उसे सुख मिलता है वो तो थोड़ा होता है, लेकिन उस थोड़े से सुख के लिए उससे जो भूल होती है, जो पाप होता है, उसका दुख, उसका परिणाम जो दुख है वो वर्षों तक भी व्यक्ति भोगता है। धुंधकारी प्रेत क्यों बना? बोले ब्राह्मण होकर वेश्यावृत्ति करने लगा, सुरापान करने लगा। वेश्यावृत्ति और सुरापान करने के लिए धन चाहिए, तो इतना धन कहां से आवे? तो न्याय के मार्ग से, उचित मार्ग से तो इतना धन नहीं मिलेगा कि वो ये सारे कर्म करे। तब उसने धन को प्राप्त करने के लिए अनुचित मार्ग अपनाया, अब दूसरा पाप शुरू हुआ। अब अनुचित मार्ग से जब धन संग्रह करने लगा तो लोग सावधान हो गए, सावधान जब हो गए तो उनके धन को प्राप्त करने के लिए उनको मार डालने लगा और पाप होने लगा। यही जीव की स्थिति, पाप की प्रवृत्ति होने पर फिर वह प्रवृत्ति उसको और पाप की ओर ले जाती। धुंधकारी ने ऐसे ऐसे पाप किए कि जिन पापों के परिणाम स्वरूप से ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा, और गया में पिंडदान करने पर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। इसलिए हे भाई मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूं, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो, मैं बहुत दुख भोग रहा हूं इस पाप योनि में, प्रेत योनि में भटक रहा हूं। तब गोकर्ण जी ने विचार किया क्या करें। गोकर्ण जी बहुत बड़े विद्वान थे, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखलह, दोनों सगे भाई थे, सगे भाई।